आज मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, नर्मदापुरम में ये हुंकार भरेंगे और पिपरिया में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी। एक सप्ताह में प्रधानमंत्री का ये तीसरा एमपी का दौरा है। 7 अप्रैल को जबलपुर आए थे प्रधानमंत्री, 9 अप्रैल को बालाघाट के दौरे पर आए थे और अब ये एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं, जहां नर्मदापुरम में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री और पिपरिया में पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां होशंगाबाद लोकसभा, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने दर्शन सिंह चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, संजय शर्मा कांग्रेस पार्टी में उनके प्रतिद्वंदी रहेंगे, उनके पक्ष में दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और रेणु, देखने का विषय यह भी होगा कि क्या कोई रोड शो भी यहां पर प्रस्तावित है, क्योंकि अभी सुरक्षा कारणों से जो बड़े रोड शोज होने थे उन्हें छोटी जगह में किया गया। अब देखना होगा कि क्या आज इतना समय रहेगा कि प्रधानमंत्री यहां पर रोड शोज कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी आज नर्मदापुरम के पिपरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पिपरिया में पहली बार होने जा रही प्रधानमंत्री की सभा को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा उम्मीदवार दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे और सभा स्थल पर पचमढ़ी रोड पर शिवानी गार्डन के सामने ये जगह तैयार की गई है सभा के लिए। पीएम आज 11 बजे हेलीकॉप्टर से पिपरिया के बीजनवाड़ा पहुंचेंगे। पीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के आला अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। सभा स्थल सहित आसपास व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। रायपुर से एक अहम खबर, आज छत्तीसगढ़ आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खैरागढ़ में अमित शाह की जन